ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. صدق الله العظيم. تلاوت کردہ آیات بینات کا اردو ترجمہ سماعت فرمائیے. اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں نہ جھگڑو، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر سے کام لو، یقین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور ان کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں کی گرو سے باہر نہیں ہے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزت. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی نارنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ عالم آب و خاک میں ظہور سے فروغ ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گنبد آبگی نرنگ تیرے محیط میں ہوبا.
वाजन जबादकार कानून साज असम्बली के कायदा 13 जेली कायदा 1 के तहत हासिल शुदा इख्तियारात बुरुए कार लाते हुए स्पीकर व डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी में बज़ेल अरकीन पर मुश्तमिल पैनल ऑफ चेयरमैन का ऐलान करता हूँ। मोहतरम अब्दुल क्यूम नियाजी MLA, जनाब वकार अहमद नूर MLA, जनाब मियाँ अब्दुल वहीद MLA। जी हाफिज साहब, जुमला शहदाए जम्मू कश्मीर और जुमला फौत शुदगान सबके लिए इज्तमाही फातह खानी फरमा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुर्सलीन अल्लाहुम्मा अग़फिर लिजमीइल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात बिलखसूस 1947 लेकर आज तक जितने भी शहदाए जम्मू और कश्मीर हैं, या अल्लाह सब के दर्जात बुलंद फरमा, सब की कब्रों को अनवारु तजल्लियात का मरकज बना, तमाम लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा, या अल्लाह कश्मीरियों को उनकी मंजिल अता फरमा, या अल्लाह आज़ादी की नेमत से मालामाल फरमा, या अल्लाह हमें वो वक्त देखना नसीब फरमा मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी की नेमत मिले और फिर इस पूरे कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इलहाक हो। या अल्लाह आज कराची से लेकर खैबर तक जो पूरी कौम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती कर रही है, सबको अजर अजीम अता फरमा। या अल्लाह हालिया दिनों में दहशतगर्दी की वजह से जो फोर्सेस के जवान अफीसरान नमाजी और दीगर अहबाब शहीद हुए, या अल्लाह उनके भी दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह जिन जालमों ने ये जुल्म किया उन्हें नेस्तो नबूद फरमा और पाकिस्तान को दहशतगर्दी की लानत से महफूज फरमा, पाकिस्तान में सियासी व मुआशी इस्तेकाम अता फरमा। और हालिया दिनों में सदर रियासत जनाब सरदार अनवर साहब वो भी इंतकाल कर गए और अजीम कश्मीरी आलम दीन मौलाना सलीम चिश्ती साहब इंतकाल कर गए, या अल्लाह उनके भी दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान को मजबूत फरमा, जो इसके खैर हाँ हैं उन्हें कामयाबी अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमाइन। मौजूदा रखें, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज योम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी के हवाले से जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ईवान में तशरीफ़ फरमाएं, इन्होंने वापस भी तशरीफ़ ले जानी है, तो मेरी गुजारिश ये है कि मैं 3 पार्टी हेड्स को बात करने का मौका दे रहा हूँ। बदीन शर्त ये मौका आपको फराहम हो रहा है कि 2-3 मिनट से गुफ्तगू ज़्यादा आपकी आगे ना बढ़े। जी हसन इब्राहिम साहब, आप शुरू फरमाइए। तौर पर रेजोल्यूशन लाया है जो G20 कॉन्फ्रेंस मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुनद कर रहा है भारत, उसके हवाले से आप रेजोल्यूशन पेश करना चाहते हैं? आप पहले पढ़ना चाहते हैं? पढ़ के इसको मंजूर करके उसके बाद जी पढ़िए पढ़िए जी फारूक आदम साहब। असेंबली का गैर मामूली इजलास भारत की जानब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में G20 कॉन्फ्रेंस करवाए जाने के इकदाम की भरपूर मजम्मत करता है और करार देता है कि रियासत जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है और सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के तहत इसका फैसला होना भी बाकी है। ये इजलास इस अमर का इरादा करता है कि कश्मीरी आवाम की जदोजहद आज़ादी हर सूरत में बरकरार रखी जाएगी। ये इजलास भारत की जानब से कश्मीरी रहनुमाओं की गिरफ्तारी को मजम्मत करते हुए इक़वामे आलम से अपील करता है कि वो मकबूजा रियासत में रवा रखी गई इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लें। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली का इजलास पाकिस्तान के 23 करोड़ आवाम की जानब से कश्मीरी भाइयों के साथ गैर मुतज़ल्ज़ल हमायत पर इन हदिया तबरीक पेश करता है। रकीन जो रकीन इस करारदाद के हक में हक हैं जी, इतफाक राय से ऐवान ने यह करारदाद मंजूर की। जी हसन इब्राहिम साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। हम आज इस 5 फरवरी के मौके पे जनाब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और उनके साथ आए हुए मेहमानों को खुश आमदेद कहते हैं और हम समझते हैं कि उनके आने से एक बहुत मुस्बत एक मैसेज गया है कि जी पाकिस्तानी और कश्मीरी जो हैं वो इस कॉज में बराबर खड़े हैं। मैं जनाब स्पीकर एक ऐसी लेगेसी को यहाँ पर रिप्रजेंट कर रहा हूँ जो हमारी क्यादत सदा मोहम्मद इब्राहिम खान साहब जिनकी क्यादत में 19 जुलाई 1947 को तहरीक-ए-लहाक-ए-पाकिस्तान उनके घर में पास हुई
और जिसके नतीजे में ये आज जो आप उस पार और इस पार जो आपको तहरीक नज़र आ रही है, ये उसी करारदाद के नतीजे में है। और ये बेस कैंप भी उन्हीं की क्यादत में बनाया गया और इसका बुनियादी मकसद था कि जी हम यहाँ से इस तहरीक को लेकर आगे श्रीनगर की तरफ बढ़ेंगे और हम जो हमारा हतमी जो हमारा डेस्टिनेशन है हम उस तक पहुँचेंगे और हम इस कश्मीर को, इस कश्मीरी लोगों को जो उनका हक खुद इरादियत दिलवा के ये इस खत्ते को आज़ाद करवाएंगे। मगर वक्त के साथ आप बिलखसूस जो 5 अगस्त 2019 के वाकयात हैं जिसमें उस पार ऑक्यूपाइड कश्मीर में जिस किस्म की तब्दीली सामने आई, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 35A और 370 रिवोक किया, उसके बाद जो हमारा रद्द अमल होना चाहिए था माजत के साथ वो हमें नहीं नज़र आया, बिलखसूस पाकिस्तान की तरफ से जो होना चाहिए। ठीक है, तकरीरें हुई, यूएन में तकरीर हुई, बाकी भी चीज़ें हुई, मगर जिस तरह कश्मीरी क्यादत को और कश्मीरी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके आगे बढ़ना चाहिए था और इन इकदामात को रोकने की कोशिश की जानी चाहिए थी, वो माजत के साथ हमें वो चीज़ें नहीं नज़र आई। और बिलखसूस ये जो पिछले 4-5 साल जो पिछली हुकूमत के गुजरे हैं, जो हमारा और जो बिलखसूस पाकिस्तानी क्यादत का और जो कश्मीरी क्यादत का जो गैप था वो बढ़ता चला गया और जितनी भी पॉलिसी मेकिंग हुई उसमें कश्मीरी क्यादत को साथ नहीं रखा गया। अब हम समझते हैं कि थोड़ी सी तब्दीली हमें नज़र आ रही है, मगर वो गैप अपनी जगह मौजूद है। आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान यहाँ पर मौजूद हैं, उनको अंदर भी और आज इस फ्लोर पे भी मैं खड़े होकर उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस गैप को कम किया जाए, कश्मीरी क्यादत को जो है वो पॉलिसी मेकिंग में ऑन बोर्ड किया जाए। कोई ऐसा फार्मूला जो 20 साल इस तहरीक को बैक बर्नर पे रखने की कोशिश करेगा या कश्मीरी क्यादत को साइड पे करके कोई फार्मूला बनाने की कोशिश की जाएगी, वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और हम समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है इस हमारी इल्तिजा को सीरियसली लेते हुए इस जो गैप को जो है वो काम करने की कोशिश करेंगे। और एक आखिरी बात, जो पाकिस्तान में इस वक्त सेंसस होने जा रहा है उस पर भी कश्मीरियों को बहुत सारे तहफ़ात हैं। हमने पहले भी दरख्वास्त की है कि एक कमेटी इस पर बन जानी चाहिए जो कश्मीरी क्यादत को साथ रखते हुए इन तहफ़ात को दूर कर सके। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। खालिद इब्राहिम साहब जी। शाह गुलाम कादर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब का यहाँ आना एक पैगाम है मकबूज़ा कश्मीर के जद्दोजहद करने वाले हमारे भाइयों और बहनों को कि पाकिस्तान जिस हालत में भी हो, पाकिस्तान के आवाम अपनी आधी रोटी भी खाएं, फिर भी वह मकबूज़ा कश्मीर के भाइयों के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला खड़े रहेंगे। और जनाब वज़ीर आज़म का यहाँ आना इस बात के लिए मैं उनका मशकूर भी हूँ और इस हवाले से एक खुश आइंदा मैं समझता हूँ इकदाम है। थोड़ी बहुत दीगर मुखालिफ हुकूमत के होते हुए भी कश्मीर के हवाले से जब हम सारे इकट्ठे होते हैं यहाँ और यहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं, जो पैगाम जाता है वो ये है कि कश्मीरी और पाकिस्तानियों को जुदा करने की कोई कोशिश किसी ने भी की तो उसमें उसको नाकामी होगी। जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जब से ये इक्तदार में आए, जब से हुकूमत के इन्होंने डोर संभाली है, या अक़्वामे मुत्तहिदा हो, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के दारुल हुकूमत हुकूमतों में जब इनके दौरे हों, या इस्लामाबाद में हो, जहाँ इनको मौका मिला और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को भी जब मौका मिला, इन्होंने कश्मीरी आवाम की जिस बेहतर अंदाज में नुमाइंदगी की, हम तमाम कश्मीरी अपनी जानिब से, अपनी पार्टी, तमाम आज़ाद कश्मीर और मकबूज़ा कश्मीर के भाइयों की जानिब से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे एक वाक़या इस मौके पे याद आया कि 2017 में हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अक़्वामे मुत्तहिदा में जा रहे थे तो मुजफ़्फ़राबाद तशरीफ लाए और मुजफ़्फ़राबाद तशरीफ लाकर उस वक्त के सदर वज़ीर आज़म और मैं स्पीकर और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथियों को उनको बुलाकर उन्हें कहा बताएं
کشمیر کے بارے میں کیا بات کرنی ہے. جناب وزیر اعظم جو کچھ ہم نے ان کو لکھ کے دیا تھا وہ انہوں نے اس وقت اقوام متحدہ میں جا کے میاں محمد نواز شریف صاحب نے برہان وانی کو شہید قرار دیا تھا. اور آپ کو آج بھی پتا ہے کہ گوگل میں جب برہان وانی کی تصویر آتی ہے سوشل میڈیا پہ وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے. لیکن ان کے اس اقدام کے بعد مقبوضہ کشمیر میں جو نوجوان تھے ان کو یقین ہوا تھا کہ پاکستان کی قیادت کشمیر کو کسی صورت نہیں بھلا سکتی. آج مقبوضہ کشمیر میں جو زمینیں خالی کروانے کی ڈرائیو ہے, جو ڈیموگرافک چینج کرنے کی ڈرائیو ہے ہندوستان کی حکومت کی, اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور صرف سری نگر میں یہاں حریت کانفرنس کے ہمارے قائدین بیٹھے ہوئے ہیں, صرف سری نگر میں 9,000 کنال سے زیادہ زمین انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ جن کو انہوں نے خالی کرانا ہے. اور وہ سب کے سب کشمیر کے لوگ ہیں, مسلمان ہیں جو وہاں بستے ہیں. اس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے, یہ آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے. میں اسی کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب اسپیکر, اور قائد پاکستان اور ہم وزیر اعظم پاکستان کو یقین دلاتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ان یہ جو بھی قدم اٹھائیں گے آزاد کشمیر کے عوام ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. بہت بہت شکریہ. جی محترم چوہدری محمد یاسین صاحب. میں وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھ آئی ان کی ٹیم, ان کے وفاقی وزراء محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ, جناب قمر زمان قاہرہ صاحب, جناب رانا تنویر صاحب, جناب خواجہ سعد رفیق صاحب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. جناب اسپیکر, یقیناً آج کا دن بڑا تاریخی دن ہے, بڑا اہم دن ہے. اور آج کے دن وزیر اعظم صاحب کا یہاں آنا کشمیریوں کے حوصلے جو ہے وہ بلند کرتا ہے, اور اس سے پوری پاکستانی قوم کی جو کشمیریوں کے ساتھ محبت ہے, یگانیت ہے, اس کا کشمیریوں کو احساس دلاتا ہے, اور اس کا احساس دلاتا ہے کہ کشمیری قوم اپنی آزادی کی اس جدوجہد میں اکیلے نہیں ہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ ہے. جناب اسپیکر, آج کا یہ دن جو ہے یہ شیخ ذوالفقار علی بھٹو جب وزیر اعظم تھے انہوں نے 75 میں پورے جموں اور کشمیر میں ایک ہڑتال کی کال دی تھی, اور پورے جموں کشمیر میں بشمول پورا آزاد کشمیر اور جموں کشمیر, مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ہے یہ ایک پہیہ جام ہڑتال ہوئی تھی. اور اس کے بعد جو ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب پہلی بار پاکستان کی وزیر اعظم بنی تو انہوں نے جو ہے وہ 5 فروری کو یہ دن جو ہے وہ سرکاری طور پر بنانے کا اعلان کیا. تب سے جو ہے وہ تمام حکومتیں پاکستان کی, آپ کی حکومتیں, میاں نواز شریف صاحب کیا بھی 2 بار 3 بار آئیں انہوں نے بھی, اور آج آپ یہاں تشریف لائے ہیں, آپ منا رہے ہیں, میں اس پر دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب اسپیکر, ٹائم کنسٹینٹ ہے مجھے احساس ہے, لیکن کچھ ضروری باتیں کرنے ضروری ہیں. جس طرح شاہ صاحب نے بتایا ہے کہ تحریک آزادی کشمیر جو ہے وہ اس وقت انتہائی نازک مرحلے میں ہے, اور بالخصوص پچھلی جو حکومت تھی اس کی کمزور کشمیر پالیسی کی وجہ سے جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو شدید نقصان پہنچا ہے. 29 جولائی 2019 دی فارمر پرائم منسٹر میٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان واشنگٹن, اور وہاں یہ جو ٹیلی وائز ہوا دیکھا ہم نے کہ وہاں اس نے ٹرمپ نے کہا, مسٹر پرائم منسٹر, آئی میٹ پرائم منسٹر مودی لاسٹ منتھ اینڈ ہی ہیز آسکڈ می ٹو میڈیٹ آن کشمیر. تو یہ چھوٹا سا انہوں نے دیا ٹی وی والوں نے. اس کے بعد ان اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم 7 ڈیز 5 اگست کو جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ آرٹیکل 370 جو ہے اس کو ایبروگیٹ کرتا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کرتا ہے. اور اس وقت دنیا کا لانگیسٹ جو لاک ڈاؤن ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے, وہاں مظالم کی انتہا ہو رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے آنے کے بعد اس یہ 14 اگست کو میں یہاں وزیر اعظم پاکستان اس وقت کے آئے, اور اس وقت رائے صاحب وزیر اعظم تھے, میں قائد حزب اختلاف تھا, تو میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ مسٹر پرائم منسٹر صاحب, وائی آل دس ہیپنڈ ان شارٹ اسپین آف 7 ڈیز. تو پھر وہ کوئی اس کا جواب نہ دے سکے, اور میں نے کہا کہ انڈیا کا جو وزیر خارجہ ہے جے شنکر, ہی گوز ٹو 52 کنٹریز آفٹر ایبروگیٹنگ دی آرٹیکل 370
और तमाम आलमी कवानीन को पाँव तोड़े रोंदने के बावजूद वो 52 ममालिक को अपना हमला बनाता है, जबकि हमारे वजीर खारजा जो है वो इस तरफ बैठे हैं शाह महमूद क्रैश। मैंने कहा ये हमारे साथ पीपल्स पार्टी की सी में बैठते थे, ये किसी मुल्क में नहीं गए, सिर्फ चाइना में गए। तो इससे ये जो है वो हमारे तहफात हैं कि आपकी जो कश्मीर की जो पॉलिसी है वो चेंज हो गई है। तो उस वक्त फिर उन्होंने जवाब दिया कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पूरी दुनिया में आपके लिए सफातकारी करूँगा और जाऊँगा, लेकिन साथ ये भी कहा, ये साथ कहा कि अगर हिंदुस्तान ने आज़ाद कश्मीर पे हमला करने की जरूरत की तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे, मतलब व्हाट इज हैपन देयर ओके। तो इस पर मैं समझता हूँ कि बड़ा नुकसान हुआ मसला कश्मीर को जनाब है। मैं एक मिनट, मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान जो है वो शदीद माशी मुश्किलात का शिकार है और दहशतगर्दी का शिकार है, और हम कश्मीरियों को इस पर बहुत तशवीश है, परेशानी है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि एक मजबूत पाकिस्तान, एक खुशहाल पाकिस्तान जो है वो कश्मीर की आज़ादी का ज़मान है। मैं ये समझता हूँ कि आज दफाए वतन और दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी पाक फौज के जो जवान शहीद हो रहे हैं वो एक बड़ा जो है वो मैं समझता हूँ कि मुल्क के पाकिस्तान के लिए अपना कल आज जो है हमारे कल के लिए कुर्बान करें। मैं उनको आज अकीदत पेश करता हूँ और अफवाज पाकिस्तान की मौजूदगी में मैं ये समझता हूँ कि हमारा दुश्मन जो है वो पाकिस्तान को कभी कमज़ोर नहीं कर सकता। मैं एक मरतबा फिर जनाब स्पीकर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एंड इज एंटायर टीम को दिल की कह रहे हैं उसे खुश आमदी का, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस एज आई एम हेयर एज एक्टिंग प्रेजिडेंट ऑल्सो, तो मैं ये चाहूँगा कि आप पहले दोनों गुफ्तगु कर लें, उसके बाद दो मिनट में मैं इनको खुश आमदीद कह के माइक प्राइम मिनिस्टर के हवाले करूँगा। आप प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आपकी वसादत से मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब को और उनके आने वाले काबीना के अरकान मोहतरम रज़ी साहिबा, जनाब कमर ज़मान कायदा साहब, जनाब राना तनवीर हुसैन साहब, साद रफीक साहब, अभी यहाँ पे मुर्ज़ा अब्बास साहब बैठे थे, जवेद मुर्ज़ा अब्बास साहब की चले गए, इस सब को वेलकम कहता हूँ। ये सिर्फ एक सम्बालक ही नहीं है बल्कि ये एक ऐसी बात है कि जो एक तारीखी रवायत बन चुकी है और ये पाकिस्तानी रियासत का, पाकिस्तानी अवाम का, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का और बिलखसूस हमारे जो कश्मीरी LOC के उस तरह बैठते हैं रहायश पजीर है, उनके लिए एक बड़ा अच्छा पैगाम है जो आज़ाद कश्मीर की असम्बली के खसूसी इजलास से आप आज खिताब करने आ रहे हैं। मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं, जो दोस्तों ने बात की उसको आगे लेके चलूँगा। और इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर में, मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान जो है ये हमारे शहीदों के साथ आग और खून की होली खेल रहा है, और पाकिस्तान की जो रियासत है ये रियासती बशिंदों के लिए काम कर रही है, जबकि हिंदुस्तान की जो रियासत है वो सरजमीन कश्मीर के लिए वहाँ पर जान कर रही है। उसको आप देख लें कि जिस तरीके से कश्मीरियों को वहाँ पर शहीद किया गया, लाखों कश्मीरी शहीद हुए 47 से लेकर आज तक, और जम्मू की तारीख गवाह है कि एक दिन में 2.5 लाख हमारे कश्मीरी वहाँ पे शहीद किए गए, और 1989 से लेकर आज तक 96,000 कश्मीरी शहीद किए गए, और ये 5 अगस्त 2019 के बाद 750 कश्मीरी वहाँ पे शहीद किए गए। तो ये एक ऐसी कोशिश है कि वो वहाँ की ज़मीन से जो है वो मोहब्बत रखता है, वहाँ की आवाम को अगर वो समझता होता अपने तो उन पर यह जेनोसाइड ना किया जाता। पाकिस्तान की जानब से जो हमारी सफारती सियासी और पॉलिटिकल जो हमारी हमायत की जाती है, हम उस पर पूरी कश्मीरी कौम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन इस सवाल से मैं ये बात जरूर करना चाहूँगा कि कश्मीर के लोगों को बैरून मुल्क आप अपने साथ नुमाइंदगी के लिए ज़रूर लेके जाएं। यहाँ पे आज़ाद कश्मीर असम्बली के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, यहाँ पर लीडरशिप भी मौजूद है कश्मीर के अंदर, और APSC जो अगरचे हमें पता है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर वहाँ पे आप देख लें मीर वैज को गिरफ़्तार करके रखा हुआ है, कैद में घर बंद रखा है, यासीन मलिक साहब को तिहाड़ जेल में रखा है, जहाँ शबीर शाह साहब को तिहाड़ जेल में रखा है, फिर वहाँ पे लीडरशिप को जो इस तरीके से शहीद किया गया, अशरफ सराई साहब, गरी लोन साहब, मकबूल भट्ट साहब और दीगर असल गुरु साहब, रानवानी के समेत लोगों को वहाँ पर शहीद किया, और हत्या कि उन्होंने ख्वातीन को नहीं बख्शा। वहाँ पर
آسیہ اندرابی کو ان کے ساتھ بیشبار نہیدہ رسین ہیں فہبیدہ صوفی ہیں ان خواتین کو بھی انہیں تیار جیل کے اندر رکھا ہوا ہے وہاں پر ضرور ڈائے جا رہے ہیں تو اس وقت سے یہ آل پارٹیز کا آزاد سپیر کی جملہ سیاسی جماعتوں کو یہاں کی جو اسمبلی ہے ہم جو آل پارٹیز کا آزاد سپیر کی جو شاخ یہاں پہ ہے ہم ان کو اپنا نمائندہ سمجھتے ہیں اور میری یہ رائے ہے جناب اسپیکر کہ وزیر اعظم صاحب سے کہ ایک یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ فوری طور پہ یہاں پہ آزاد سپیر لیڈرشپ کو اور اے پی ایس یو کو بلا کے وہاں پہ ان کو کانفرنس لیا جائے اور ایک کانفرنس جو ہے آپ کے ساتھ بیٹھے ان کی ہونی بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کے جو آل پارٹیز کانفرنس 7 فروری کو ہونے جا رہی ہے پاکستان کے اندر آپ کے جو دہشت گردی کے ایشوز ہیں یا دیگر ایشوز ہیں اس کے حوالے سے کی جا رہی ہے لیکن اس سے میں یہ چاہوں گا کہ ہندوستان جو ہے یہ مقبوضہ جموں کشمیر کے بھی دہشت گردی کر رہا ہے تو جہاں پہ آپ ان دہشت گردوں کی ہم مذمت کریں گے اس کے بارے میں اسٹیپس اٹھائیں گے تو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو مقبوضہ جموں کشمیر کے ہندوستان جو ہے بھارت جو ہے وہ دہشت گردی کر رہا ہے آپ اس کے خلاف بھی وہاں پہ آپ کا موقف جو ہے یقینی طور پہ آ جانا چاہیے ہم یہ چاہیں گے کہ جموں کشمیر کے میں سے 10 لاکھ جو فوجی ہیں ان کو بیان کرا جائے وہاں پہ انسانی کوئی خلاف ورزی ہے ان کو ختم کیا جائے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس وقت کوئی بات نہیں کر سکتے لیکن اس ایشو کو تو ہم اٹھا سکتے ہیں اور یہ میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں جس طرح شاہ غلام قادر صاحب نے کہا باقی دوستوں نے کہا کہ پاکستان کی موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس نے بڑا اگریسولی اس ایشو کو وہاں پہ لے گیا ہے پرٹیکولرلی آپ ہیں اور خاص کر جو وزیر خارجہ بلال بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ جس طریقے سے ہر جگہ اور آپ دیکھ لیں کہ جب ایک دفعہ سکالی بھٹو شہید تھے جب سورج سنگھ نے بات کی تھی تو سکالی بھٹو اس کا منہ توڑ جواب دیا تھا اور آج جب وہاں کے وزیر خارجہ نے بات کی تو بلال بھٹو زرداری منہ توڑ جواب دیا اور جس کے نتیجے میں ہندوستان میں مودی حکومت نے اس خلاف مظاہرے بھی کیے اور ان کی ہیڈ بنی کیا وہ بھی لگائی گئی تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ بات جو ہے وہ چبھی ہے اس سے ان کا جو ہے وہ ان کا اثر پڑا ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو ایک جو بات امپورٹنٹ ہے سر وہ G20 کی جو ریزولوشن پیش کیا ہے یہ میری یہ رائے ہے اور ہمارے سارے ایوان کی یہ رائے ہے کہ G20 کے حوالے سے آپ کو ایک اگریسو ڈپلومیٹک موو کرنی ہوگی اور ہندوستان کو روکنا ہوگا ورنہ ایک ایک قدم اٹھا کے 5 اگست 2019 کے بعد سے آج تک جو اقدام کیے پہلے انہوں نے اس کی کیفیت کو ختم کرنے کی کوشش کی اور پھر وہاں پہ لیفٹنٹ گورنر لگا دیے اور اب جب G20 کانفرنس کرنے جا رہا ہے ایک متنازع علاقے میں وہ ایسے اقدامات نہیں کر سکتا یہ یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کہتی ہے ہندوستان نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ ہم جو ہے یہ جو ہم وہاں پہ الیکشن کرائے ہیں یہ اس کو نمبر بدلیں لیکن اقوام متحدہ نے یہ بات کی کہ الیکشن اسلام رائے کا نمبر بدل کسی صورت میں نہیں ہو سکتے اس لیے میں چاہوں گا کہ G20 کے حوالے سے اس کو بڑا اگریسولی فارن افیئرس اور آپ کا جو بھی اس میں کیا جائے اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا سر ایک بہت امپورٹنٹ کہ معاملے کی طرف اصل ریم صاحب دس ویری امپورٹنٹ ناٹ سمپلی کہ مردہ شماری ہو رہی ہے یہ مردہ شماری کشمیریوں کے ساتھ بڑی جڑی ہوئی ہے یہ اس لیے جڑی ہوئی ہے کہ 2017 کی جو مردہ شماری تھی جناب اسپیکر وہ یہ تھی کہ اس میں جو کشمیری یہاں سے ہمارے پاکستان میں کسی حوالے سے وہاں موجود ہیں ان کو یہاں پہ آزاد سفیر کے اس میں درج نہیں کیا گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج جو لوکل باڈی کے الیکشن ہمارے یہاں پہ ہوئے اس میں لوگوں کی تعداد کم ہو گئی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ زبردست شماری کی جائے نادرا کے ذریعے کی جائے یا جو کشمیری وہاں پہ جس میں گئے اس کو آزاد سفیر کے اندر جن کے پاس آزاد کی شناختی کارڈ بھیجا ان کو کم از کم یہاں پہ کیا جائے اور ساتھ ساتھ جو ہمارے 47 کے مہاجرین ہیں ان کو بھی اس رائے شماری کے اندر شامل کیا جانا چاہیے تاکہ کل جو رائے شماری ہے اس حساب میں رائے ہونے والا جانے والا ہے جموں کشمیر کے اندر اس میں کوئی فرق جو ہے وہ نہ آنا پڑے اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ یہ جو ہندوستان نے 40 لاکھ کے قریب وہاں پہ لوگوں کو ڈومیسائل کشمیر کا دیا ہے اور جو لوگ ایک فوجی آیا وہ سروس کیا اس کو بھی دیا ہے اس کے خاندان کو بھی دے دیا جو مزدور وہاں پہ کام کر رہا ہے اس کو بھی دے دیا اس کے خاندان کو بھی دے دیا اور یہ اپنی جو ہے تعداد جو ہے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اس پہ اگریسو لینے کی میں سمجھتا ہوں یہ لینے کی ضرورت ہے میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے میں اپنی جانب سے پوری اپوزیشن کی جانب سے اور پوری اسمبلی کی جانب سے کشمیری عوام کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بہت شکریہ سر جی محترم قائد ایوان الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ علی النبی الامین جناب اسپیکر آپ کا بہت شکریہ اور جناب اسپیکر آپ کی وساطت سے میں انتہائی قابل احترام عزت مآب
وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس مقدس ایوان جو آزاد ریاست جموں و کشمیر کا سب سے سپریم اور مقدس ایوان ہے، اس کا قائد ایوان ہونے کے ناطے میں وزیر اعظم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کا دن 5 فروری جو بنیادی طور پہ پوری پاکستانی قوم مناتی ہے، اس کے لیے وہ یہ تشریف لائی یہاں پہ، اور ان کے ساتھ آنے والوں میں میڈم مریم اورنگزیب صاحبہ اور ہمارے انتہائی قابل احترام بھائیوں میں جناب چودھری قمر زمان قائرہ صاحب، جناب خواجہ سعد رفیق صاحب، رونا تنویر صاحب، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب بھی تشریف لائے. 5 فروری بنیادی طور پہ پاکستان اس لیے مناتا ہے کہ اقوام عالم کو یہ یاد کروایا جائے کہ تقسیم ہند کا جو ایجنڈا تھا وہ ادھورا ہے، اس لیے کہ کشمیریوں کو جب تک ان کا حق نہیں ملتا، ہندوستان کی اپنی کمٹمنٹ سیکورٹی کانسلز کے اندر اقوام متحدہ کی پہلی جو ریزولیشن ہے 37 سے لے کے 49 تک جائیے، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ساری کی ساری ریزولیشن بنیادی طور پہ نریشنز ہیں، بنیادی طور پہ ایکسپلین کرتی اور ہندوستان کی کمٹمنٹ تھی. ہم نے مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے اس کی عیاری، اس کی مکاری اور چلاکی کو نہ بھانپ سکے کہ وہ ٹائم بائی کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ 75 سالوں میں کون سی قربانی ہے جو کسی دوسری قوم نے دی ہوگی، اس کے حصہ میں آئی ہوگی اور کشمیریوں نے نہ دی ہو. ہماری ماؤں نے کتنے برانوانی جنے، ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو اس درندہ فوج 9 لاکھ کو سب زلالی پرچم، یہ سب زلالی پرچم بنیادی طور پہ گنبد خضرا سے ملتا ہے، ہماری مائیں باہر نکلتی ہیں اس کو اس کی اوقات یاد دلاتی ہے، لیکن وہ اپنی اوقات دیکھنے کے باوجود کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کر رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انف از انف. 5 اگست 2019 کو کشمیر کا پرنسلی سٹیٹس جب اس نے ختم کیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کی یہ جو حالیہ ہمارے جو بڑے بھائی چودھری لطفی اکبر صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں بالکل بجا فرمایا کہ آپ یہ دیکھیے کہ منہ زوریاں کیسے بڑھ رہی ہیں، انویسٹمنٹ کر رہا ہے 20,000 کروڑ، کشمیریوں نے کہا کہ ہمارے جوتے کی نوک پہ تمہارا 20,000 کروڑ. سید علی شاہ گیلانی جیسا مدبر رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان اس تار کول کی جگہ سڑکوں پہ اگر گولڈ بھی بچائے تو ہمارے جوتے کی نوک پہ ہوگا، کشمیریوں نے کہا تمہارا 20,000 کروڑ ہمارے جوتے کی نوک کے اوپر ہے. یہ کشمیری یہ کلمہ گو ہیں، یہ حسین کی راہ پہ چلنے والے، یہ خالد بن ولید کی راہ پہ چلنے والے، یہ اس کے 20,000 کروڑ کو تھوکتے ہیں جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. G20 کی وہ بات کر رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مقدس ایوان کے بھی آپ پہ ہم اپنے دوست ملک چائنا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ چائنا کی بر وقت اس کا انٹروین کرنا اور ہندوستان کو اس سے باز رہنے سے روکنا، ادروائز یہ کوئی دور نہیں تھا کہ G20 جا کے وہاں مقبوضہ کشمیر کے اندر بیٹھے. لیکن مقبوضہ کشمیر کے اندر کی صورتحال دیکھیے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ویلی میں یہ نریندر مودی، جس کو میں نے ہمیشہ ہر اپنے مافیا ضمیر میں مودی کہا ہے، یہ بنیادی طور پہ ویلی میں نہیں اتر سکتا، ڈل جھیل نہیں دیکھ سکتا، سری نگر کی نہیں طرف جا سکتا، جموں سے ہو کے دیکھتا ہے کہ ویلی کہاں ہوتی ہے. لیکن جموں کا جو پنڈت ہے وہ بھی ہمارے سلام کا مستحق ہے کہ وہ بھی کہتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، وہ بھی سمجھتا ہے کہ جو ہندوستان کے اندر ذات و پات جو دلت اور برہمن کا فرق ہے وہ آسمان کو چھوتا ہے. یہ کون سی انسانیت ہے؟ کیا کر دکھاتا ہے ہندوستان آج کی اس سویلائزیشن کے دور میں پاکستان کے ساتھ؟ پاکستان کے ہمارے جو انتہائی قابل احترام وزیر اعظم صاحب یہاں بیٹھے، پاکستان دنیا کی مظلوم قوموں کا توجہ کا مرکز ہے. پاکستان ایک اپنا نیریٹو رکھتا ہے، پاکستان ایک اپنی کمٹمنٹ رکھتا ہے، پاکستان اس کمٹمنٹ سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی وہ کسی بڑے اس مزارائی کا، لیکن ہمارے ملک کے حالات اچھے بھی کب ہوئے تھے. پاکستان میں یہ پرسوں وزیر اعظم صاحب اس میں بیٹھے تھے جو اپیکس کی ہماری میٹنگ تھی، میں نے کہا دنیا ہمیں کہتی ہے یہ بھوکے ننگے ایٹم بم کیسے بنا گئے بھائی، وہ ہمیں جن کنسیڈر کرتے ہیں، یقینی طور پہ بعض کاموں میں جن کے ہم سے اوپر ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی جو پوزیشن ہے اس وقت اس خطے کے اندر، یہ چنگاری اگر ہندوستان باز نہ آیا تو یہ 2 ایٹمی پاور ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں، اقوام عالم کو، اقوام متحدہ کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا. میں جو اندر بیٹھا جناب اسپیکر آپ کے چیمبر میں وزیر اعظم صاحب کی خدمت میں جو میں نے گزارش کی کہ آئندہ ہمیں او آئی سی کو ہم اپنا رول اپنی وزارت خارجہ کے ساتھ مل کے ادا کریں گے،
हम अपनी वजारत खारजा के साथ, मैं इसलिए कि मैंने ओ आई सी के जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर हुसैन इब्राहिम ता, मैंने उनसे जब गुजारिश की कि कश्मीरियों को अपने ओ आई सी के सेक्रेटरीट में बैठाइए, एक हमारा भाग का एक आदमी जो बेसिकली वजारत खारजा का मुलाजम है वो इस वक्त वहाँ पोस्टेड है, वो कह रहे थे कि ये कश्मीरी है। मैंने कहा नहीं, एक्चुअल कश्मीरी ले जाइए, ये माजिद खान साहब की तरह का जो एक्चुअल कश्मीरी हो, या वो जो ए पी एस सी वाले बैठे। बुनियादी तौर पर मैंने कहा कश्मीर को देख के कश्मीरियत याद आएगी, मजलूमियत याद आएगी, आपको तरस आएगा, आपको रहम आएगा। मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर कश्मीर का अगर कसूर है सिर्फ और सिर्फ ये कलमा पढ़ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, क्या कसूर है कश्मीर का? ईस्ट तैमूर में, सूडान में, दुनिया की कौन कौन सी जगह पर रेफरेंडम नहीं हुआ? नहीं होगा तो कश्मीर में नहीं होगा। बुनियादी तौर पर ये जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मुस्तकिल मेंबर ममालिक हैं उनकी जिम्मेदारियां हैं। बरतानिया की जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा है कि वो इस काम को छोड़ के गया था, वो गुरदासपुर किसके हवाले करके गया था? कश्मीर का कौन सा रास्ता है जो हिंदुस्तान के साथ मिलता है? बाबा इकराम रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे कह दिया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है, यहाँ पे दो हमारे लाजिज इस शहर के साथ जुड़ते हैं। मैं वज़ीरे आज़म साहब से ये कहूँगा कि उन जगहों पे हम बाबा इकराम के हवाले से बड़े म्यूजियम बनाएं, ताकि हर आने वाली हमारी जनरेशन, आज का सोशल मीडिया का बच्चा जो ऐसे स्कूलों में पढ़ता है, न तारीख पढ़ाई जाती है, न हमारे असलाफ के बारे में बताया जाता है, वो सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाता है क्या किया था भाई इन्होंने, वो वहां पे भी 27 करोड़ है, वो 27 करोड़ उनकी गैरत कहाँ है जब हमारी बेटी के सर से चादर खींची जाती है? उन 27 करोड़ को सांप सूंघ गया, मैं ये समझता हूँ। गैरत है तो कश्मीर के अंदर है, कश्मीरी एक के पीछे एक, जिन्होंने 22 जानें दी कश्मीरियों ने, ये कश्मीरियों की ही तारीख है कि एक आजान की तकमील के लिए 22 जानें, एक से बढ़ के एक जान दे रहा था, इसलिए कि आजान मुकम्मल और जमात के साथ नमाज अदा की जा सके, ये कश्मीरियों का ही वसफ है। मैं इस मौका पे ये समझता हूँ कि हमारी पूरी काम दुनिया को ये बताती है कि कंधे से कंधा मिलाना, हाथों की जंजीर बनाना, बुनियादी तौर पे ये बताना है कि ये कोई दुनिया के अंदर कोई ऐसा लावा है जो फट पड़ा तो तुम भी उसकी जद में आओगे, ये पाकिस्तान साबित करता है। लेकिन हमें अपने ग्रुप, अपनी लॉबिंग के अंदर हमें इजाफा करना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा, स्ट्रांगली बढ़ना होगा। पाकिस्तान कहीं कमजोर नहीं है, पाकिस्तान मजबूत है, पाकिस्तान मशीत इलाही है, पाकिस्तान दुनिया में कायम रहने के लिए आया था, पाकिस्तान ऐसे नहीं बना, करोड़ों कुर्बानियों के नतीजा में बना। कितनी माओं ने अपने बच्चे खोए, कितनी हमारी उस वक्त की माएं थी जिन्होंने अपने स्वाग खोए, कितने लोगों ने अपने बच्चे खोए, कौन कौन सी कुर्बानी थी जैसे मुल्क बन गया था। ये वो वाहिद मुल्क है जो कलमा और एक एहसास और एक नजरिए की बुनियाद पर बना था। मैं वज़ीर आज़म साहब का हमें चूंकि एहसास है कि वेदर के हवाले से ये कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो कोई मुनासिब तो नहीं है कि ये दूसरी फाइनेंशियल टाइम्स पे हम आके साथ आपके साथ रिक्वेस्ट करें, लेकिन सर गुजारिश ये है कि चूंकि आप 10 माह के बाद, चूंकि पहले भी ये इस ऐवान की निगाहें आपकी मुंतजर थी, चूंकि जो भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान होता है वो पूरे के पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता है, वो आज़ाद कश्मीर का भी वज़ीर आज़म होता है बुनियादी तौर पर, कि जो भी आए आप पहले भी, हमारी ये रवायतें हमेशा रही हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, राजा फारूक अजहर खान साहब बैठे, कभी मैंने कल के इंटरव्यू, कोई मौका नहीं होता मैं इनका जिक्र ना करूं, मैंने कहा कि वो अपनी बात किए बगैर रुक नहीं सकते, मैं रोकूं भी तो नहीं रुकेंगे, आज वैसे मुझे रोक रहे थे, मैंने कहा जी मैंने तो वो उसमें यह है कि हमेशा दूसरी हुकूमतें आती रही और इस ऐवान के अंदर भी बहुत अच्छा माहौल, और पाकिस्तान के हवाले से सर ये लोग कश्मीर के हमेशा ये कहते हैं कि हम अपनी मुसल्ला अफवाज के आगे चलेंगे, कभी खुदा न करे कि हमारे मुल्क के ऊपर ऐसा टाइम आए कि हमें ऐसा टाइम देखना पड़े, हम अपनी मुसल्ला अफवाज के आगे चलेंगे। इस वक्त हमारे मुल्क में दो चीज़ें, एक ये दहशतगर्दी की एक नई लहर आई है जो हमारे मुसल्ला इदारों ने बड़ी कुर्बानियों के बाद उन्होंने थोड़ा अमन कायम किया था, केपी की पुलिस इंतहाई माया नाज, उनकी कुर्बानियाँ एक सिपाही से लेके उनके एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस तक, जो सिफत गई और शहीद के तक उनने कुर्बानियाँ दी हुई थी, अगेन एक बड़ी उस वेव में आए, आप भी परसों वहाँ पे थे, हम भी थे, बुनियादी मकसद उनको पुरसा देना था। सर आप आए हुए हैं चूँकि हमारे भाई कमरजमान कायरा साहब के साथ भी हमारा चलता रहता है, लेकिन मैं चंद एक छोटी सी गुजारिशात करूँगा आपकी मौजूदगी की, इस फ़ायदा चूँकि इस मुकद्दस ऐवान में चूँकि हमारे सारे भाई मौजूद हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ही बात है वो कश्मीरियत की है, कश्मीरियत के अलावा कोई बात नहीं है, आज हर पाकिस्तानी कश्मीरी है और आज हर कश्मीरी पाकिस्तानी है, इसके अलावा हमारा कोई और। बस सर मैं शार्ट करूंगा, चूंकि हम सर आपको जनाब स्पीकर, चूंकि ये आपको भी मुझे भी हम सबको, चूंकि आज़ाद कश्मीर में सर ऐसे है कि पसरी है ही कोई नहीं,
यहाँ पे बुनियादी तौर पे हमने टैक्स जो रिटर्न थी सर 75 सालों में सिर्फ 5,000 टैक्स फाइलर थे, अभी हम 40 तक ले गए हैं। कोई मिन्नत अल्लाह को गुजारिश करें, यहाँ पब्लिक सर्वेंट्स भी टैक्स रिटर्न नहीं जमा कराते, जो पूरे मुल्क में पाकिस्तान में बलूचिस्तान में भी नहीं होगा कि पब्लिक सर्वेंट टैक्स रिटर्न ना जमा कराए। टैक्स देना ना देना अलग बात है, वो सर हम कोशिश कर रहे हैं। हमें 2-3 सालों तक अपनी वफाकी गवर्नमेंट से कुछ रिलीफ की मद में चाहिए होंगे। सर एक कमर उमान कायरा साहब के नॉलेज में है कि यहाँ आटे का बहुत बड़ा मसला है। एक हमने आपको 9 अरब की एक रिक्वेस्ट भेजी हुई है, कायरा साहब ने आपको रिकमेंड करके भी भेजी है। उसमें चूंकि आटे का हमने कीमतें बढ़ाई थी, लेकिन उनके नतीजा में यहाँ पे रद्द अमल बहुत ज़्यादा था। सर मैं डिटेल में बाकी चीज़ों में नहीं जाऊँगा, आप लमसम चूंकि हमारा पिछली हमारी जो गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, उन्होंने 500 अरब हमें दिया था इसके लिए और 370 तक गलगित, हमने उसका 100 अरब का PC जमा कराया, हमें PND ने वहाँ रिजेक्ट कर दिया। वो अगर आप हमें वहाँ मौका देंगे कायरा साहब की क़यादत में, हम आपके पास आके आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें उसमें से अगर वो 500 आप बहाल कर सकेंगे, उससे आज़ाद कश्मीर बहुत आगे नहीं जाएगा लेकिन कोई मतलब सांस लेने के काबिल हो जाएगा। इसमें सर ऐसे है कि ये जो हमारे मेंबरान हैं जो इस मुकद्दस ऐवान के, कत नज़र इसके कि कौन किस पार्टी का है, ये पाकिस्तानी है ये कश्मीरी है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाज़ है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो ईच मेंबर को 5 करोड़ रुपए, अगर आपकी तरफ से, ये माजी में भी यूसुफ रजा गिलानी साहब और जब यूसुफ रजा गिलानी साहब जो आए थे इस हाउस को एड्रेस कर रहे, और भी कई वज़ीरे आज़म ने हमेशा सखावत का मुजाहरा किया है इन मेंबरान के इलाकों में जो डेवलपमेंट के हवाले से चीज़ें होती हैं। सर आटे के अलावा मैं डिटेल आपको भेजूंगा कायरा साहब के थ्रू, लेकिन हमें आप अगर इस साल के लिए सर अगर हमें वो पूरे प्रोजेक्ट भेजेंगे, मुजफ्फराबाद को गैस की ज़रूरत है सर, सर मीरपुर शहर में थोड़े से एरिया में हमने गैस दी हुई है, मीरपुर में गैस नहीं है सर, 2 कैडेट कॉलेज बन रहे, वो हम आपको भेजेंगे इस साल सर। इस आटे के अलावा सिर्फ 30,000 रुपये अगर आप अनायत करेंगे तो आपकी सखावत को ये लोग याद रखेंगे। बहुत शुक्रिया। आज जितना खूबसूरत और बावकार माहौल ऐवान का आप अहबाब ने यकीनी बनाया, आप तमाम इस पर खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। लंबी बात हो चुकी, मैं बतौर सदर रियासत जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपको, आपके हमरा आने वाले वफाकी वज़रा को अहल कश्मीर की जानब से दिल किया था ग्राइम से खुश आमदीद कहता हूँ। हिंदुस्तानी स्टोसिस के बारे में तफसीली गुफ्तगु हो गई, वे फॉरवर्ड के बारे में मौजूद अरकान ने अपना इजहार ख्याल किया। मैं सिर्फ एक चीज़ इसमें ऐड इन करूँगा कि जुल्मत की ये घड़ियाँ जो हैं ये कभी तवील नहीं हो सकती, कौमों को अपनी आज़ादी की जंगें खुद लड़नी होती। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि बिलाशुबा आज हमारा वकील, आज हमारी आशिकी, आज हमारी मंजिल पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है, मौशी तौर पर भी और जियो स्ट्रेटजिकली हमारे जो दहशतगर्दी की लहर हम पर दोबारा मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है ये भी खासी तशवीश की बात है। लेकिन इन तमाम चैलेंजेस को साथ लेते हुए तहरीक आज़ादी कश्मीर को तहरीक तकमील पाकिस्तान की मंजिल में तब्दील करना जनाब वज़ीर आज़म आपकी और हम सब की मुश्तरका मंजिल है। तो मैं आज आपका खसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तान के इंतहाई पोलराइजेशन से भरपूर सियासी मंजरनामे में आपने आज इस कश्मीर की असेंबली में आकर एक वाज़े पैगाम आलम इस्लाम को भी और पूरी मुस्लिम उम्मा के ज़रिए पूरी दुनिया को और बिलखसूस हिंदुत्वा की बानी हुकूमत मोदी हुकूमत को ये दे दिया कि नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी, कश्मीर की बात आएगी तो पाकिस्तानी क़यादत में, पाकिस्तानी कौम में, कश्मीरी कौम में और कश्मीरी क़यादत में कोई इख्तलाफ नहीं है। तो मैं इस पर आपको बिलखसूस खराज तहसीन पेश करता हूँ। एक जुमला जो मैं ना कहूँ तो गुफ्तगु तश्ना तकमील रहेगी, या अगर मैं मुसल्ला अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों का जिक्र ना करूँ तो मंजरनामा अधूरा रहेगा। आज अपनी आर्म फोर्सेज, सेमी आर्म फोर्सेस, पुलिस, इनके जवानों की कुर्बानियों को ये ऐवान सलाम अकीदत पेश करता है, खराज अकीदत पेश करता है। शहदा के लिए भरपूर दुआएं
उनके वर्षा के लिए सलाम अकीदत और सलाम मोहब्बत, यही वो खून है जो रंग लाएगा तो हम सब अपनी मंजिल को पा सकेंगे। आखिरी जुमला जनाबे वज़ीर आज़म, बतौर सदर नहीं, बतौर स्पीकर, बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब आप सलामी के चबूतरे पर तशरीफ़ लाए तो सामने आपने एक पुरशुको बिल्डिंग को देखा। उस बिल्डिंग को आज़ाद कश्मीर असेंबली और हॉस्टल के नाम से तमीर किया जा रहा है। ये 5 साल कबल का PSDP का मंसूबा था जो 2017 में शुरू हुआ। 2800 इसकी लागत थी, 2800 मिलियन। अनफॉर्चुनेटली आज 5 साल गुजर गए, सिर्फ 974 मिलियन रिलीज हुए और आज 5वें साल 200 मिलियन की एलोकेशन थी, 1 रुपया भी इस असेंबली के लिए रिलीज़ नहीं हो सका। ये वो कौमी इदारे हैं जो हुकूमतों के आने जाने से इनका कोई ताल्लुक नहीं। ये ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का ये इंस्टीट्यूशन कायम होना था कि जिसमें पूरे कश्मीर के कल्चर को आप एक ही निगाह से बदरिया हैली देख सकते हैं। मेरी सिर्फ एक आपसे गुजारिश है कि एक्सकलेशन के बावजूद आपके लिए, आपके कलम में अल्लाह ने इतना इख्तियार दिया है कि आज इस मौके पे इस ईवान की असल बिल्डिंग और इस हॉस्टल की तकमील के लिए अब रिवाइज एस्टिमेट 4200 मिलियन का है, अगर आप उसके लिए फिल फोर फंड्स की फरहमी को यकीनी बनाएं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 24 घंटे में शबाज स्पीड की पैरवी करते हुए हम इंशाल्लाह 1 साल में इस बिल्डिंग को मुकम्मल कर लेंगे। जनाब वज़ीर आज़म, चूँकि आपने वापस जाना है, इन अल्फाज़ के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का इख्ताम करते हुए माइक आपके हवाले करता हूँ। आपका बेहद शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब, स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर असेंबली, जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब, प्राइम मिनिस्टर AJK, जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन, प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी AJK, जनाब चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, मोहतरम जनाब सरदार हसन इब्राहिम खान साहब और मोहतरम जनाब शाह गुलाम कादर साहब, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मेंबरान AJK असेंबली, मेहमानाने गरामी, अस्सलामु अलैकुम। मेरे लिए ये एक इंतहाई काबिल फ़ख्र और एज़ाज़ की बात है कि आज मैं उस मकाम पे खड़ा हूँ जिसे हज़रत कायद आज़म ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। मेरे लिए आज ये बात भी इंतहाई काबिल फ़ख्र है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने दावत दी कि मैं यहाँ पर आपसे आके मिलूं और अपनी मारूज़ात आपके सामने पेश करूं और आपसे मिलकर जो हमारी कश्मीर पॉलिसी है उसमें मज़ीद जद्दत और उसमें मज़ीद कुव्वत पैदा की जाए। आज यकीनन हमारे माशरे में एक तकसीम दर तकसीम पैदा हो चुकी है जो कि यकीनन अफसोसनाक है, लेकिन यहाँ पर आज मुजफ्फराबाद में
یہاں پر موجود تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اکابرین موجود ہیں، آنریبل ممبرز موجود ہیں، یہ ہے وہ یکجہتی، یہ ہے وہ اتفاق اتحاد کا مظاہرہ، اور یہ ہے وہ مظاہرہ یگانگت کا، جس کے ذریعے ہندوستان کے در و دیوار، ہندوستان کی حکومت اور اغیار ضرور پریشان ہوں گے، اور ان کو پریشان ہونا بھی چاہیے کہ جب کسی سوسائٹی میں، قوم میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہوتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو آپ کے جو گولز ہیں ان کو اچیو کرنے میں بڑی طاقت اور بہت جلا ملتی ہے۔ لہٰذا میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے پورے پاکستان میں قومی اتحاد اور قومی یکجہتی کا ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے، اور میں ذاتی طور پر جناب پرائم منسٹر اور جناب اسپیکر صاحب اور آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں۔ آج کشمیر کی وادی میں 75 سال ہو گئے کشمیر کی وادی نہتے بے گناہ مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گئی۔ آپ کو اچھی طرح علم ہے، وہ ننھا بچہ جو اپنے نانا کی چھاتی پہ بیٹھا تھا اور اس کی اداس آنکھیں کبھی آسمان کی طرف اٹھتی ہوں گی، کبھی اس ظالم معاشرے کی طرف اٹھتی ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا نے وہ دلخراش منظر دیکھا کہ کس طریقے سے ایک معصوم بچے کا نانا شہید کر دیا گیا، اور ایک یہ ایک مثال نہیں، یہ تصویر تو پوری دنیا نے دیکھی، لیکن کشمیر کے اندر 75 سال سے جس طرح لاکھوں مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، ہزاروں لاکھوں لوگ شہید کر دیے گئے، اور پھر نریندر مودی نے 2019 اگست میں جو کشمیر کا ایک اسپیشل اسٹیٹس تھا اس کو بھی چھین لیا، اور پورے کشمیر کو ایک جیل بنا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم زیادہ دیر نہیں چل سکے گا۔ کشمیری ماؤں بہنوں اور بزرگوں اور بچوں نے جس دلیری اور اس خدائے بزرگ و برتر جن کے قبضے میں ہماری جان ہے، اس کے سہارے پر جو عظیم قربانیاں دی ہیں، یہ ضرور رنگ لائیں گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ گو کے ظاہری طور پر یہ لگتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ دب گیا ہے، اس کے اوپر اب دنیا زیادہ بات نہیں کرتی۔ ابھی یہاں پر پرائم منسٹر نے آپ کو ایسٹ تیمور کی مثال دی، جنوبی سوڈان کی مثال دی، اور بھی مثالیں ہیں، شمالی آئرلینڈ، یہ وہ خطے ہیں جہاں پر جو دنیا کی طاقتیں انہوں نے مل کر سوڈان کو تقسیم کیا۔ کیوں؟ مذہبی بنیاد پر جنوبی سوڈان جو ہے وہ مارز وجود میں آیا۔ ایسٹ تیمور، مشرقی تیمور، جو کہ انڈونیشیا کا حصہ تھا، اس کو کاٹ کر اس کو آزادی دلائی گئی۔ کیوں؟ مذہبی بنیادوں پر، مذہب کے نام پر۔ شمالی آئرلینڈ میں دنیا کی بڑی قوتیں شامل ہوئیں، اور کس طریقے سے وہاں پر بھی یہ پولیٹیکل اور ریلیجس عنصر وہاں پر شامل تھا۔ مگر جب بوسنیا کی بات آتی ہے تو جب تک وہاں پر لاکھوں لوگ کو شہید نہیں ہو جاتے، ہزاروں
माओं के आंचल नहीं फटते और दुनिया के बदतरीन मजालिम नहीं हो जाते तब तक जो तरक्की याफ्ता दुनिया है वो खामोश रहती है। और फिर जब उन निहत्ते मुसलमानों के खून की कहानियां पूरे दुनिया में दिखाई जाती हैं तो फिर कहीं ज़मीर जागता है, ज़मीर मरामत करता है और फिर वहाँ पर बदतरीन मुजालिम के बाद आपको पता है कि इज्तिमाई कब्रें खोदी गई, वहाँ पर हजारों मुसलमानों को वहाँ पर दफन किया गया और ना जाने क्या क्या मुजालिम हुए। आज ये बातें जुबान पे नहीं लाई जा सकती। एक तरफ ये मंजरनामे और दूसरी तरफ कश्मीर देख लीजिएगा, फलस्तीन को ले लें, अभी कल परसों जो वहां पर मुजालिम ढाए गए हैं और किस तरीके से कोशिश की जा रही है कि जालिम और मजलूम को इक्वेट करने की, इससे बदतरीन जुल्म ज्यादती और नाइंसाफी की कोई बात हो सकती है? कसूर यह है कि कश्मीरी भी मुसलमान हैं और कसूर यह है कि फलस्तीनी भी मुसलमान हैं। लेकिन मैं आपको आज यहां पर यह बताना चाहता हूं कि तमाम तर इन मुश्किलात और कमजोरियों के बावजूद यह बिल्कुल सच है कि 75 साल कश्मीर में खून बह रहा है, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम और पाकिस्तान की तमाम हुकूमतें उन्होंने हमेशा कश्मीर की, कश्मीर कौज की बात की और दिल की अथाह गहराइयों से कश्मीरियों को हमेशा सपोर्ट किया, क्योंकि कश्मीर न सिर्फ पाकिस्तान की शहरग है। अगर कश्मीरियों को अक्वामे मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक सिक्योरिटी काउंसिल खुद लोकसभा में 1954 में आंजहानी नेहरू ने कहा था कि हम कश्मीरियों को हक खुद इरादी दिलवाएंगे, ये तमाम बातें जो लाले की झूठ और उनकी जो फरेब और मकर, ये उसकी कहानियां पुकार पुकार के ये बता रही हैं कि लाले ने पूरी दुनिया को चक्कर दिया और हर जगह झूठ बोला और हर जगह ले तो राज से काम लिया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़रूर कश्मीरी हमारी तरफ देख के ये सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम, आपने इस मरहले पर हमारा इस तरह साथ देना चाहिए था। उनकी गिले जायज़ होंगे लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी एक लम्हे के लिए भी पाकिस्तान के करोड़ों आवाम में कश्मीरी भाइयों को बुलाने की कोई मिसाल नहीं है। कश्मीरी भाइयों के लिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम के जो अरबों मुसलमान हैं वो कश्मीरियों के लिए दिन रात दुआ करते हैं, मक्का मुकरमा में दुआ करते हैं, मदीना शरीफ में दुआ करते हैं। लेकिन कश्मीरी हमसे और तमाम आलम इस्लाम से पूछते हैं कि आपके पास अल्लाह ताला ने बेपनाह वसाइल दिए, पाकिस्तान को वसाइल दिए और अरब ममालिक को बेपनाह तेल और गैस और ना जाने क्या क्या नेमतें दी हैं, तो कश्मीर कौज के लिए 75 साल गुजर जाना, फलस्तीनियों की आज़ादी के लिए इतना ही अरसा गुजर जाना और इस दौरान बदतरीन मुजालिम हुए, ये वो सवाल है जो एक कश्मीर की वादी में एक बुजुर्ग भी करता है, एक माँ भी करती है जिसकी गोद खाली हो गई, खाली हो गई, एक बहन भी करती है जिसका भाई शहीद हुआ, एक भाई भी करता है जिसकी बहनों को शहीद कर दिया गया। ये वो सवाल है और इसका जवाब कोई आसान जवाब नहीं है। हमें अपने गरेबानों में झांकना होगा, हमें इस सवाल का जवाब तलाश करना होगा और मैं आपको ये बात बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि अगर मुजफ्फराबाद से लेके और
अफ्रीका के उस पार जो मुसलमान आखिरी मुसलमान बसता है, अगर ये मुसम्मम इरादा कर लें कि हमने फ़िलिस्तीनियों को और कश्मीरियों को आज़ादी दिलानी है, तो खुदाए बुजुर्ग बरतर की कसम खाकर कहता हूँ कि उसके मदद से, उसके कर्म से ये दोनों इलाके ज़रूर आज़ादी हासिल करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। शर्त यह है कि हमें उसके ऊपर अमल करना होगा, बातों से नहीं, नारों से नहीं, इशार से नहीं, मर्सियों से नहीं, तकारीर से नहीं, अमल से करना होगा। क्या आपने नहीं देखा इस दुनिया में कि दो, मैं आपको मिसालें देता हूं, जापान और जर्मनी की जंगे दोयम में तबाह बर्बाद हो गए और करोड़ों लोग लुकमे अजल बन गए, मगर सिर्फ 60 सालों में, सिर्फ 60 सालों में ये दोनों कौमें दोबारा दुनिया पर इस तरह आई और छा गई। यूरोप में आज अगर जर्मनी का एक मुआशी तौर पर तूती बोलता है तो उनकी मेहनत की वजह से, जापान अगर आज फिर दुनिया में एक इकोनॉमी पावर है तो एक मेहनत की वजह से, और अभी आपने देखा कि यूक्रेन के लिए जर्मनी के टैंक्स की कितनी, पूरी दुनिया ने कहा टैंक्स दें और हम यूक्रेन भिजवाएं। तो ये क्या चीज थी कि फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, हामबुर्ग बिल्कुल जमीन को जमीन बोझ हो चुके थे, और वहां पर जापान में हिरोशिमा में और नागासाकी में दो बम्बों ने उनके करोड़ों लोगों को बिल्कुल एक सेकंड में उनको भस्म कर दिया, मगर 60 साल के अंदर वो दोबारा एक दोबारा आलमी ताकतें बन गई। तो इसका सीधा साधा जवाब यह है कि उन्होंने अपनी शिकस्त को मेहनत में बदल दिया, दिन रात मेहनत की, कुर्बानी दी, खून पसीना बहाया, और आज दुनिया उनके बगैर चल नहीं सकती। तो हमें तो अल्लाह ताला ने न सिर्फ मुसलमान पैदा किया, उसके जितना भी शुक्र अदा करें, बेपनाह वसाइल दिए हैं, बेपनाह वसाइल। इसलिए कश्मीरियों का वादी में कश्मीरियों का गिला जायज है कि पाकिस्तान के अवाम हों, चाहे वो मिडल ईस्ट के अवाम हों या खलीज के अवाम हों, ये तमाम अरबों मुसलमान अगर हमारे लिए यक सुई के साथ काम करें और एक आवाज़ उठाएं और अपनी आवाज़ में ताकत पैदा करें, तो फिर वो दिन दूर नहीं जब वहाँ पर एक एक जुल्म का हिसाब इस तरह लिया जाएगा कि कश्मीर के अंदर इस्तफाज़ा राय से वो वहाँ पर आज़ादी हासिल होगी और वहाँ पर उनका हक मिलेगा और वो खड़े होकर वो दुनिया की एक ताकत बन जाएंगे। इसलिए मैं आज को आपको ये पैगाम देने आया हूँ, अपनी तरफ से मखलूत हुकूमत का सरबरा, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की तरफ से, कि उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को मैं ये गवाह बनाकर कहता हूँ, जिन अभी मेरे कमरे में बात हो रही थी कि एक साजिश चली कि 20 साल मौखर कर दिया जाए, ये बात अभी कमरे में बाज लोगों ने की मेरे साथ कि 20 साल प्लेबिसाइड कश्मीर में मौखर कर दिया जाए, इससे बड़ी साजिश और क्या हो सकती है, इससे बड़ा कश्मीरियों के साथ जुल्म और क्या हो सकता है। मैं समझता हूं कि ना कोई पाकिस्तानी सियासतदान, ना कोई फौजी, ना कोई सिपाही इस तरह की बात सोच नहीं सकता। हाँ, यह जरूर है कि जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि हिकमत के साथ और मुशावरत के साथ काम लो, तो मैं समझता हूं कि अगर हिकमत और मुशावरत को हम अपना मशले राह बनाएंगे और अल्लाह ताला के ऊपर तकवा करते हुए अपनी तमाम कुव्वतें बुरेकार लाएंगे, तो इंशाल्लाह कश्मीरियों का जो उनका हक है वो आप इंशाल्लाह ज़रूर उनको दिलवाएंगे। लेकिन इसके लिए पहले यहाँ पर बात हुई, हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा, हमें माशी इस्तेकाम लेके आना होगा, हमें सियासी इस्तेकाम लेने लाना होगा।
इसमें तो कोई दो राय नहीं। एक बच्चा भी बताएगा कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से एक न्यूक्लियर ताकत है और हिंदुस्तान हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। अल्लाह ताला के फजल करम से उनकी मैली आंख निकाल कर पांव तले रोंदने की पाकिस्तान के पास ताकत है। लेकिन अगर कश्मीर को आज़ादी दिलानी है तो इस ताकत के साथ माशी ताकत को साथ बनाना होगा। और इंशाअल्लाह मैंने जिस तरह कहा कि बड़ी बड़ी जो रियासतें हैं जिन्होंने जमहूरियत के लिबादे उड़ रखे हैं, जब कश्मीर की बात आती है तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, फिर ये वहाँ पर मंतक चलता है। अगर आपने कश्मीरियों को उनका हक दिलाना है और उनके खून की आबयारी करनी है, उसके खून की पासदारी करनी है, उस नन्हे मुन्ने बच्चे को उसका हक दिलाना है, हजारों लाखों माओ जिन्होंने जिनके सपूतों ने वहां पर अपने खून का नजराना पेश किया है, उसका हक दिलाना है, तो फिर पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत करना पड़ेगा। और ये जरूर, आज मैं यहाँ पर कोई सियासी तकसीम के हवाले से बात नहीं करूँगा। आज मैं यहाँ पर आपके सामने बतौर वजीर आजम नहीं, पहले एक पाकिस्तानी के तौर पर खड़ा हूँ, उसके बाद पाकिस्तान के मखलूत हुकूमत के मैं वजीर आजम के तौर पर खड़ा हूँ। और मैं आपको ये कहूँगा कि तमाम अपने इख्तलाफात को हम बालाए ताक रखें और फैसला कर लें कि हमने कश्मीर की और कश्मीरियों को उनका हक दिलाने के लिए और फलस्तीनियों को उनका हक दिलाने के लिए सफारती काविशें जोरों पर ले जाएं, माशी इस्तेकाम लेके आएं, मुल्क के अंदर सादगी पैदा करें, कफायत शारी से काम लें, कुर्बानी दें, एसार के जज्बे से काम लें, तो वो फिर दिन दूर नहीं कि इंशाअल्लाह फिर ये जो कश्मीर है और वो जो मकबूजा कश्मीर है वो एक दिन आज़ाद होगा और दुनिया देखेगी कि वाकई मुसलमानों ने अपना हक अदा किया है और पूरी दुनिया के मुसलमानों ने अपना हक अदा किया है। ये किस तरह मुमकिन है कि जनूबी सूडान जो है वो एक मजहबी बुनियादों पर अलहदा हो जाए? ये किस तरह मुमकिन है कि ईस्ट टैमोर को उस मुल्क से अलहदा करके एक आज़ाद मुल्क बना दिया जाए? और इस तरह की दूसरी मिसालें जो मैंने दी हैं, और कश्मीरी जो हैं वो कश्मीर में तड़पते रहें, दिन रात उनके ऊपर गोलियां पड़ें, वो शहीद हों, उनको उनकी बेइज्जती की जाए, उनकी इज्जत को तार तार किया जाए, और अक्वामे आलम छोड़े मुसलमान जो ममालिक हैं वो खामोश रहें। ये तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इसलिए नहीं बनाया था, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया था कि वो दुनिया को लीड करे, वो अक्वामे आलम में, आलम इस्लाम में उसका झंडा बुलंद हो। वो मिसाल है कि देर आए दुरुस्त आए, बहुत देर हो गई कोई शक नहीं, पुलों से पानी बहुत बह गया कोई शक नहीं, लेकिन आज भी अगर प्राइम मिनिस्टर साहब, स्पीकर साहब और यहाँ पर मेरे कश्मीरी भाई बैठे हैं, ऑनरेबल मेंबर्स बैठे हैं, यहाँ पर फेडरल मिनिस्टर्स बैठे हैं, आज भी अगर हम समीम कल्ब से ये फैसला कर लें कि हमने कश्मीर को आज़ादी दिलानी है, तो खुदा गवाह है कि अल्लाह ताला इसमें आगे बढ़ के हमारी मदद करेंगे और कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। नवाज शरीफ साहब ने आपको याद है, उससे पहले चले जाएं तो मरहूम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि हज़ार साल हम घास खाएंगे लेकिन कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। फिर नवाज शरीफ साहब ने 1998 में हिंदुस्तान के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके पाकिस्तान को, पाकिस्तान की तमाम इदारों के साथ मिलकर एक एटमी ताकत पाकिस्तान को बनाया। बिल क्लिंटन साहब ने $5 अरब की पेशकश की थी, मगर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जनाब सदर बिल क्लिंटन, बहुत मेहरबानी आपकी, लेकिन मुझे अपनी कौम का मुकद्दर और पाकिस्तान के जो आलो और अरफा जो मकासद हैं मुझे उसकी तकमील करनी है, बड़ी मेहरबानी, ये $5 अरब मुझे नहीं चाहिए। फिर वाजपेयी 1999 में लाहौर आए, मैं उसका
چشمدید گواہ ہوں۔ لاہور آئے اور وہاں سے پھر وہ مینار پاکستان گئے اور وہاں پر یوں گویا وہ کہ پاکستان بنتے وقت ہمارے دلوں پر بہت گھاؤ لگے تھے، لیکن آج ہم پاکستان کو دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے وہ لاہور جو ایکارڈ ہوا، انہوں نے نواز شریف صاحب سے وعدہ کیا کہ ایک سال میں ہمیں کشمیر کا مسئلہ طے کرنا ہوگا، وگرنہ آئندہ آ کے بہت مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ ریسٹ از ہسٹری، ریسٹ از ہسٹری۔ میں اس وقت کسی بھی ایسی بات سے پرہیز کروں گا جس سے کہ دل آزاری ہو، وگرنہ کھٹمنڈو میں کیا ہوا تھا آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو ہمیں ایک طرف کر کے ماضی میں رہنے کے بجائے ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے ہم اگر آگے بڑھیں گے، میرے بزرگوں بھائیوں اور میری بہنوں، انشاءاللہ کشمیر ضرور آزاد ہوگا۔ اور سید علی گیلانی کی روح جو آج بھی قبر میں تڑپ رہی ہوگی، اس کو سکون پہنچے گا۔ یاسین ملک کو تہاڑ جیل میں بند کیا ہوا ہے، اور محترمہ آسیہ اندرابی کے ساتھ کیا ظلم ستم ہو رہا ہے۔ یہ وہ ایک نہیں، اس طرح کی ہزاروں لاکھوں مثالیں ہیں جو آج ہر گھر میں کشمیر میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کشمیری بجا طور پر آج پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کو اپنا کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان نے ادھار چکانا ہے، پاکستان نے اپنی یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے، لیکن یہ ذمہ داری انشاءاللہ تب ہی ادا ہوگی جس طرح میں نے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہمیں پھر یک جان دو غالب ہونا ہوگا۔ آج جس طرح اس اسمبلی میں ایک بڑا شاندار مظاہرہ ہوا ہے یکجہتی کا، ایک ہونے کا، اتحاد کا، بس یہی جھلک اگر شعاع اس کی باقی جگہوں میں پھیل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ میں یہاں پہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن چونکہ وزیراعظم آزاد کشمیر نے اپنے کچھ مطالبات کا ذکر کیا تھا، تو وہ میں آپ کو جناب اسپیکر آپ کے توجہ سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسلام آباد تشریف لائیں اپنے ٹیم کے ساتھ۔ میں آپ کے ساتھ میں بیٹھوں گا، اور جو بہت مالی چیلنجز ہیں اس وقت میں بات کر رہا ہوں، اسلام آباد میں آئی ایم ایف کا وفد ہر کتاب دیکھ رہا ہے، چاہے وہ کامرس کی ہے، چاہے وہ فائنینس کی ہے، چاہے وہ پٹرولیم کی ہے، چاہے وہ پاور سیکٹر کی ہے، ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے، ایک ایک دھیلے کی جو سبسڈی ہے اس کو دیکھ رہا ہے۔ ہمیں زندہ رہنا ہے، مگر جس طرح زندہ قومیں رہتی ہیں، حق وہ ہے جس طرح زندہ قومیں رہتی ہیں، بھیک یا کشکول آگے کر کے نہیں۔ 75 سال یہ معاملہ چلتا رہا، کہیں تو آپ اس کی لکیر لگائیں گے، کہیں تو آپ اس کو روکیں گے۔ یہ تب رکے گا کہ پوری قوم ایک فیصلہ کر لے کہ ہم اکٹھے ہو کر ہم اس بھوک افلاس، اس مہنگائی کا مقابلہ کریں گے، پاکستان کے اپنے وسائل پیدا کریں گے، اور انشاءاللہ یہ بیکاری پن اور یہ کشکول کو توڑیں گے۔ کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم تقاریر کرتے ہیں اور تقاریر کر کے آدھے گھنٹے بعد بھول جاتے ہیں کہ تقریر میں نے کیا کہا۔ اگر ہم مجھ سمیت، پہلے میں اپنی بات کروں گا، اگر ہمارے کال و فیل میں تضاد ختم ہو جائے، 90% بھی ختم ہو جائے، تو یہ کشتی کنارے لگ جائے گی، اور ضرور لگے گی انشاءاللہ۔ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان مسائل کا حل اسی شعر میں پنا ہے۔ وہ میرے بڑے بھائی نواز شریف صاحب اکثر مجھے پیار محبت میں گلا کرتے کہ تم یار نئے شعر بھی سنایا کرو۔ میں کہتا ہوں میں پرانے زمانے کا آدمی ہوں، تو پرانا شعر جو ہے اگر وہ کام کر جائے تو اسی سے کام چلانا چاہیے۔ کہ اور وہ یہ ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے
रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। कश्मीर की आज़ादी ज़रूर हासिल करेंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, और आप जिस तरह कश्मीरियों के लिए आप काम कर रहे हैं, आपको और ताकत अता फरमाए। इंशाअल्लाह कश्मीर ज़रूर बनेगा, पाकिस्तान वो दिन आएगा और वह सूरज तुलू होगा। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपका। मैं सदर जम्मू कश्मीर काउंसिल असम्बली जम्मू कश्मीर का इजलास आज बतारीख 5 फरवरी 2023 बरोज इतवार बवक्त 3:07 गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी करता हूँ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली से ख़िताब किया। उनका कहना था कि मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि मैं आज उस मुकाम पर खड़ा हूँ कि जिसे कायदे आज़म ने पाकिस्तान की शहरक कहा। आज तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, जो कि हमारी यकजहती की अलामत हैं। मैं आप सब की आमद का शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम जमातों का इतिहाद देखकर भारत परेशान होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि 75 साल हो गए, कश्मीर की वादी निहत्ते मुसलमानों के खून से सुर्ख हो गई है। पूरी दुनिया ने एक मासूम बच्चे को अपने नाना की लाश पर रोते हुए देखा। नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की खसूसी हैसियत को छीन कर पूरे कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया। कश्मीर के जज्बे आज़ादी की जदोजहद जल्द रंग लाएगी। दुनिया भर के मुसलमान कश्मीरियों के लिए दुआ करते हैं। 1954 में नेहरू ने कहा था कि हम कश्मीरियों के हक खुद इरादियत दिलाएंगे। पाकिस्तान ने कश्मीर कॉज के लिए हमेशा बात की है और मसला कश्मीर को हर फोरम पर उठाया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि बोस्निया के मुसलमान भी उन पर भी जुल्म किया गया और उनकी इज्तिमाई कब्रें बनाई गईं। कश्मीरी अवाम को भी उनका भी कसूर ये है कि वो मुसलमान हैं, कश्मीर को आज़ादी दिला कर रहेंगे। अगर भारत ने पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखा तो उसकी आँख निकाल कर पैरों तले रोंदने की ताकत रखते हैं। कुछ और खबरें भी शामिल होंगी, एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।